नमस्कार दोस्तों, मैं भोलेनाथ पांडे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस समय मैं चैनल के ऊपर आप सभी के साथ सेट थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने सेट थ्योरी में बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। लास्ट टाइम मैंने ऑपरेशन ऑन द सेट को कम्प्लीट किया और मैं अब आप सभी को लॉज, जो ऑपरेशन जो लॉज फॉलो करते हैं, उन सभी के बारे में जो है वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को सिखा रहा हूँ। इसी सीरीज में मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो और सेट 3 आप पढ़े हो, देन आप जानते होंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। और यदि नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखिएगा, डिमॉर्गन्स लॉ प्रॉपरली आप सभी को समझ में आएगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग सेट 3 में, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले भैया हेडिंग लिख लेते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, देखिए डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो चार लॉज होते हैं जो आप सभी को पढ़ने हैं डिमॉर्गन्स लॉ में। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं लॉज नंबर 1। देखिए इसमें जो चार है वो चार दो डिफरेंस ऑन सेट पे है और दो जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे है। ठीक है, जैसे कि पिछली बार मैंने आप सभी को लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ाया था, इसमें मैंने आप सभी को बताया था ना कि ये जो पांच लॉज मैंने बताए थे वहां पे आपको आइडेंटिपोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और आइडेंटिटी लॉ, ये पांचों लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी लगते थे, ये पांचों लॉ जो है वो यूनियन के लिए भी लगते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो डिमॉर्गन्स लॉ है इसमें चार लॉज हैं इसके अंतर्गत, जिसमें दो जो है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए हैं, दो जो है वो डिफरेंस के लिए हैं। देखिए पहला है ए डिफरेंस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। अब इस चीज को आप समझिए ध्यान से, अगर सिमेट्री के रूप में अगर आप इसको याद करना चाहेंगे, सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ए डिफरेंस बी और ये यूनियन कन्वर्ट हो गया है इंटरसेक्शन में, ए डिफरेंस सी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन में ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस बी और जो इंटरसेक्शन लिखा है वो हो जाएगा यूनियन में ए डिफरेंस सी। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो चौथा लॉ है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हो कि जो चार लॉज मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए लिखे हैं, इसमें ये दोनों जो है वो किसके लिए है, ये दोनों है डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स उसके लिए ये दोनों लॉज है, और ये दोनों जो लॉज है वो किसके लिए है, वो है कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, तो ये दो लॉज है, मतलब पूरा टोटल यदि बात किया जाए इन टोटल, तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो चार होते हैं, दो जो है वो डिफरेंस के लिए काम करता है और जो दो नेक्स्ट नीचे वाला जो दो मैंने वहां पे लिखा है वो दोनों किसके लिए काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये चारों लॉज आपको याद करने हैं दोस्तों, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये सब। अगर बात किया जाए इन लॉज को प्रूफ करने का, तो प्रूफ आप आसानी से कर सकते हो, आप ए बी और सी, चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम तीन सेट्स का इस्तेमाल किया गया है डिफरेंस ऑन सेट में और दो सेट का इस्तेमाल किया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी तीन सेट आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ए बी और सी तीन सेट कंसिडर कर लिया आपने, और आप लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो, ए बी सी की वैल्यू पुट करके आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो और देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा दोनों में। यहाँ पे आप ए और बी दो सेट कंसीडर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो, जैसे जिस तरीके से ऑपरेशन हम लोग कराते हैं, बताया था मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया हूँ, और देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है प्रूफ करने का इन लॉज को, दूसरा तरीका है सेट थ्योरी का मेथड, तो सेट थ्योरी के द्वारा भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। और जो थर्ड मेथड है वह है बाय प्लॉटिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आप प्लॉट करो और आप देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वेन डायग्राम है हर एक लॉ में वो सेम है, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये जो है लॉज जो है वो प्रूव्ड है। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो में तो मैं इसमें प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी सेट थ्योरी के इक्वेशन को या किसी लॉज को किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जो मैंने तीन मेथड बताए, एक एग्जांपल मान के कि ए बी और सी को अपने मन से कुछ कंसीडर कर लो, एंड देन और दूसरा जो सेट थ्योरी मेथड है और तीसरा जो वेन डायग्राम मेथड है, इन तीनों मेथड से मैं
अलग अलग आप सभी को सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी सेट थ्री के इक्वेशन को या फिर किसी भी सेट थ्री के थ्योरम या लॉज को कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाए। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुद को और देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।